पढ़ाई आगे क्या है हमारे पास, वो ज़रा मैं अपना ये कैमरा ओपन कर देता हूँ ताकि मेरा मुंह दिखना शुरू हो जाए आपको। अच्छा अब देखो यार, हमें करना क्या है, हमें अब करना ये है, github.com तो हम सीख गए। अब github.com सीखने के बाद हमें थोड़ी सी कोडिंग सीखनी है अब, ठीक है? तो आज के दिन हम थोड़ी सी कोडिंग सीख कर जाएंगे, सही है? अच्छा, थोड़ी सी कोडिंग हम कैसे सीखेंगे? हम जाएंगे यहाँ पे, हमारी जो भी क्लास थी लास्ट, हमारी कौन सी क्लास कर रहे थे हम, मैं अपने गिटहब में जाता हूँ, वहाँ देखते हैं आपकी कौन सी क्लास थी। ये मैं गया रिपॉजिटरीज में, और रिपॉजिटरीज में जाने के बाद जी दोस्त, सही रिकॉर्ड कर लिए अपने यूट्यूब के लिए, बहुत हेल्प मिलती है उसके लिए यूट्यूब के लिए। हाँ, मैं कर लूँगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, आपकी जो क्लास थी ना, वो ये वाली थी, तो इसको मैं दोबारा से क्लोन कर लेता हूँ, पता नहीं मैंने कहाँ पे रखा था इसको, भूल गया हूँ मैं वो। ठीक है, ये एक छोटी सी HTML की फाइल, वो छोटी सी टेक्स्ट फाइल हमने बनाई थी यहाँ पे। यार ये क्या आ रहा है इतना सारा, कोई मैसेज कर रहा था क्या? इतनी सारी मुझे टिंग 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 आवाज़ आ रही थी पीछे। वेल, इसको दोबारा से क्लोन करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये मैंने कॉपी कर लिया, राइट? और अब आपने जाके क्या करना है, टर्मिनल खोला और सर स्क्रीन मैं, शेयर कर दें आप, अपनी शो नहीं हो रही है पर सर। ओके, नॉट इट, मैं ओके स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी। अच्छा, तो मैं ये बंद करके दोबारा से दिखा देता हूँ फिर, स्क्रीन शेयर नहीं थी क्योंकि। अच्छा, ये मैं github.com पे उस रिपॉजिटरी में आ गया जो लास्ट क्लास में हमने क्रिएट की थी, वो वाली रिपॉजिटरी में आ गया। इसको मैंने क्या किया, यहाँ से कॉपी किया URL, और URL कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, टर्मिनल खोला। ये टर्मिनल बाई डिफ़ॉल्ट खुलता है होम पे, ठीक है? मैंने CD और डेस्कटॉप किया तो मैं डेस्कटॉप के फोल्डर में आ गया। मैंने कहा गेट क्लोन और वो URL पेस्ट कर दिया तो ये क्लोन हो गया, ठीक है? फिर मैंने किया CD और क्या नाम था, किस नाम से आया ये, माई फर्स्ट रेपो के नाम से आया, तो मैंने कहा माई डैश फर्स्ट रेपो QRS क्लास, ठीक है? इस फोल्डर के अंदर मैं आ गया जो अभी अभी मैंने क्लोन किया है, ठीक है? और ये कोई आम फोल्डर नहीं है, ये गिटहब की एक रिपॉजिटरी है। वो हमें कैसे पता चलेगा, अगर हम इस फोल्डर को खोल के देखेंगे, ये मेरे पास आ चुका है। अगर इस फोल्डर को हम खोल के देखेंगे तो इसके अंदर एक छोटा सा हिडन फाइल शो हो रही होगी डॉट गिट। इस डॉट गिट की फाइल को आपने छेड़ना नहीं है, इसको कभी भी आपने कुछ नहीं करना, ये सिस्टम इसको देख रहा होता है अपने तौर पे ना, सही है? तो हम इसको नहीं चेंज करते, गिट इसको इंटरनली एक सिस्टम के तहत इसको चेंज कर रहा होता है और इसमें सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इस फोल्डर के अंदर आने के बाद मैंने कहा कोड स्पेस डॉट, ताकि इसको विजुअल स्टूडियो कोड में इसको खोल लिया जाए। विजुअल स्टूडियो कोड में इसको खोलने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे जो पहले मैंने टेक्स्ट फाइल बनाई थी, अब की बार मैं क्या बनाऊँगा, अब की बार मैं बनाऊँगा एक अदद index.html, राइट? index.html, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा कुछ HTML लिखता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क जैसे ही लगाया। यार ये मुझे सजेशन क्यों नहीं दे रहा, क्या बकवास है ये, सजेशन क्यों बंद हो गया यार? यार पता नहीं, सजेशन नहीं दे रहा मुझे ये। VS कोड को ज़रा एक काम करते हैं, क्विट करते हैं, दोबारा से इसको ओपन करते हैं VS कोड को। सही है, VS कोड को मैंने बंद करके दोबारा से ओपन किया। ये क्या हुआ? अच्छा, अब आना शुरू हो गया, सही है? देखें, जैसे ही मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा ना, तो ये मेरे पास क्या आ गई, एक सजेशन आ गई, ठीक है? अगर मैं इसको दोबारा से फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, ठीक है, फाइल का नाम मैंने रखा है index.html, फाइल का नाम एग्जैक्टली यही होना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा तो ये मेरे पास एक ऑप्शन आ गया, मैं माउस को हाथ नहीं लगा रहा, और मैंने डायरेक्ट एंटर या टैब, दो बटन मैं
कोई भी एक दबाऊंगा तो ये काम करेगा। तो मैंने क्या किया, टैब का बटन दबा दिया। यहाँ पर टैब का बटन दबाते ही क्या हुआ, एक बेसिक HTML यहाँ पे लिखी हुई आ गई। ठीक है, अब HTML क्या होती है, HTML से वेबसाइट्स बनती हैं, लेकिन HTML एग्जैक्टली क्या होती है वो हम थोड़ी देर में समझते हैं। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड बना लेते हैं। हेलो वर्ल्ड बनाने के लिए मैंने क्या किया, बेसिक HTML का जो स्ट्रक्चर था वो यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, ये जो शॉर्टकट था मेरे पास कि एक्सक्लेमेशन मार्क लिखो और वो पीछे से सजेशन आ जा रही थी, ये मुझे कौन दे रहा है, ये मुझे विजुअल स्टूडियो कोड का जो टेक्स्ट एडिटर है ये मुझे दे रहा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये हर टेक्स्ट एडिटर में चीज़ मौजूद हो, विजुअल स्टूडियो कोड में ये मौजूद है। ठीक है, हर टेक्स्ट एडिटर का अपना अपना एक शॉर्टकट होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये शॉर्टकट आपको दूसरे टेक्स्ट एडिटर में भी मिले। ठीक है, VS कोड में ये मौजूद है। अच्छा, VS कोड हम बाय द वे इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि बहुत लाइट वेट है और कम्युनिटी में लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं, तो इसलिए हम भी VS कोड पे काम कर रहे हैं। वरना कोई असल में दुनिया जिधर जाती है फिर हम भी उधर ही जाते हैं। ठीक है, तो हम क्योंकि दुनिया पूरी ये यूज़ करती है VS कोड, तो हम भी ये वाला कर रहे हैं। अब मैंने इस पर लिखा H1 और उसके बाद मैंने एंटर दबा दिया। एंटर भी दबा सकता हूँ, टैब भी दबा सकता हूँ, एक ही बात है। H1 का मतलब है बड़ी वाली हेडिंग, और मैंने कहा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और सेव का बटन दबा दिया मैंने। अच्छा, और फिर मैंने क्या किया, फाइल के नाम पे गया, ये फाइल का नाम है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, किसी भी जगह फाइल के नाम पे मैंने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके इसको बोला कॉपी पाथ। सही है, कॉपी पाथ किया। अब मैं वापस ब्राउज़र में गया, ब्राउज़र में एक नया टैब खोला और इसको पेस्ट कर दिया, और पेस्ट जैसे ही किया तो स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आ गया, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया, और एक हेडिंग की बड़ी हेडिंग की सूरत में आ गया हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ। राइट, अगर मैं अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे पैराग्राफ लिख देता हूँ। सही है, और दिस इज़ अ पैराग्राफ। सही है, वापस आता हूँ, इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो ये हमने क्या बना लिया, हमने HTML का हेलो वर्ल्ड बना लिया। अच्छा, ये आप लोगों ने भी बनाना है। और इसको बनाने के बाद मैंने क्या किया, इसको बनाने के बाद मैंने इसको टर्मिनल खोला, और टर्मिनल खोल के मैंने कहा गेट एड डॉट, सही है, गेट कमिट माइनस एम और माय फर्स्ट वेबसाइट, ये मेरी फर्स्ट वेबसाइट है जिसमें एक हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, एंटर। उसके बाद गेट पुश एंटर, ये जो कोड मैंने लिखा था HTML का, ये मैंने कहाँ भेज दिया, ये मैंने github.com पे वापस भेज दिया। मैं यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, index.html की एक फ़ाइल लिखी हुई आ जाएगी यहाँ पे। राइट, अच्छा, तो अब हमने करना क्या है आगे, अब हमने करना ये है कि हमें ये समझना है कि HTML क्या चीज़ है, HTML क्या बला है। तो HTML stands for हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। राइट, ये HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि ये मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब है, या सिर्फ मार्कअप का क्या मतलब है अंग्रेज़ी में, अभी प्रोग्रामिंग की बात नहीं हो रही, अंग्रेज़ी में मार्कअप का क्या मतलब है, मार्कअप किस चीज़ को कहते हैं। तो प्लीज़ आप में से कोई भी अपना माइक ओपन करके अपना ओपिनियन दे सकता है। आपकी आवाज़ मुझे बहुत स्लो सी आई, मुझे पता ही नहीं चला आपने क्या बोला। सर, मेरे ख्याल से किसी चीज़ वायरल, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, बोलो, किसी चीज को हाईलाइट करना और मार्क करना, मतलब बोल्ड, मतलब पॉइंट होता है ना, होता है जब आप लिखी हुई चीज को हाईलाइट करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो। अच्छा, तो किसी चीज को हाईलाइट करना जो है वो असल में मार्कअप कहलाता है, ये आपने कहा। यस सर, अंदाजा मैंने बताया अपना। हाँ बिल्कुल सही, ये देखो, ये वाले जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ ना क्लास में, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई सही गलत नहीं है। ठीक है, ये आपका आपकी राय जानना चाह रहा हूँ, और इसका मकसद ये है कि आप में अगर कोई जीनियस बैठा हुआ है तो वो भी हमें पता चले, किसी को अगर पहले से कुछ आता है तो वो हम उसको हमें आइडेंटिफाई करें, हम ऐसे बंदे को। जी, बाकी लोग स्पेसिफिक टेक्स्ट को मार्क करना।
अच्छा किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को मार्क करना, जी वो मार्कअप कहलाता है, बिल्कुल सही है। और लोग बताएं, ये तो दो चार लोगों ने अपनी अपनी राय शेयर की, बाकी लोग भी प्लीज़ बताएं। अच्छा गूगल भी कर सकते हैं, गूगल करके वहाँ से देखें क्या डेफिनेशन बता रहा है गूगल, और वो भी आप बताएं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ना आप गूगल भी आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि जो भी मैं बात बोलूँ ना जल्दी से आप गूगल पे उसको देख लें। अच्छा और कोई आप में से बताना चाहेगा कि मार्कअप आपको क्या लगता है कि क्या बोले क्या चीज़ है? हाईलाइट करना, प्रोमिनेंट करना, अच्छा बिल्कुल सब लोगों ने सही बताया, बहुत अच्छे है, ज़बरदस्त। अच्छा मार्कअप जो है, एमएस वर्ड आप लोगों ने यूज़ किया होगा, बल्कि एमएस वर्ड से भी हम और पीछे आ जाते हैं। हम जो जर्नल जर्नल आप बनाते हैं मैट्रिक में, आपको जर्नल तैयार करना होता है, उस जर्नल के अंदर आप जो जो काम कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ें मार्कअप होती हैं। मिसाल के तौर पर आप हेडिंग लगाते हैं, हेडिंग के नीचे अंडरलाइन करते हैं, जो मार्कर से जो जो काम कर रहे हैं ना आप, वो सब मार्कअप है। ठीक है, एक तो टेक्स्ट लिखते हैं आप पेन से, लेकिन मार्कर से उस पर आप हाईलाइट लगा देते हैं, कभी कभी अंडरलाइन लगा देते हैं, कभी किसी चीज़ को आप बोल्ड करके लिखते हैं मोटा करके, कभी आप कोई डायग्राम भी बना देते हैं वहाँ पे छोटी सी। ठीक है, कभी कोई पीछे फूल पत्तियाँ बनाते होंगे शायद, पता नहीं लड़कियाँ बनाती हैं ज़्यादा फूल पत्तियाँ। ठीक है, तो आप भी कुछ ना कुछ तो बनाते ही होंगे, फूल पत्तियाँ नहीं बनाते होंगे लेकिन मार्कर से कुछ ना कुछ डिज़ाइन बना देते होंगे अच्छा लगने के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना जो आप जर्नल में कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें मार्कअप कहलाती हैं। ठीक है, अच्छा ये मार्कअप तो हमें समझ में आ गया। अच्छा इसी तरीके से एमएस वर्ड जो है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसमें जो तैयार होता है, आपके अभी एग्जाम्स चल रहे हैं तो आपका जो पेपर तैयार हुआ है वो असल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर तैयार होता है मोस्ट प्रॉब्ली। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो काम कर रहे होते हैं आप, वो भी तमाम का तमाम क्या होता है, मार्कअप होता है। जैसे कि किसी टेक्स्ट को हेडिंग बना देना, किसी को छोटा कर देना, किसी को बड़ा कर देना, किसी को बुलेट पॉइंट्स में लिखा हुआ होता है कुछ और कुछ नॉर्मली लिखा हुआ होता है। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स भी फिर एक एक होता है कि गोल गोल होता है, सिर्फ एक में होता है, नंबर होते हैं 1 2 3 बुलेट पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मार्कअप कहलाती हैं। अच्छा अब मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब है? मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये है कि देखो, जब ना शुरू शुरू में आया ना इंटरनेट, जब शुरू शुरू में इंटरनेट आया, ये मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ इंटरनेट की, तो हुआ क्या कि वो तो पहले शुरू शुरू में आता था ना, टर्मिनल पे चलता था वो। ठीक है, उस वक्त तो ये स्क्रीन होती नहीं थी, स्क्रीन तो बहुत बाद में आई है। तो शुरू शुरू में जब इंटरनेट आया था तो वो चलता था टर्मिनल के ऊपर। फिर ये जब विंडोज़ आई ना 95 या पता नहीं कोई 98, तो उसमें पहली दफ़ा ना स्क्रीन आया, पता नहीं विंडो 90 थी 95 थी कौन सी थी, मैंने तो वेल डायरेक्ट एक्सपी का ज़माना देखा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी जो हुआ करता था, विंडोज़ एक्सपी, तो मैंने तो उसका ज़माना देखा है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि पहली बार स्क्रीन विंडोज़ 95 या 98 से पहले स्क्रीन्स मौजूद नहीं थी, उससे पहले टर्मिनल हुआ करता था, डॉस। ठीक है, तो जब स्क्रीन आई ना तो बिजनेसेस जो थे, जो अब जाहिर है स्क्रीन जब आ गई तो उसमें पिक्चर भी आती थी, फिर वो सीडी वगैरह आ गई, फिर माउस आ गया कि यार बटन होगा आप क्लिक करोगे, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो गई। तो उस वक्त के जो बिजनेसेस थे उन्होंने बोला कि यार हम जो ये पम्फलेट छापते हैं ना, जाहिर है उस वक्त जो बिजनेसेस थे वो अपनी मार्केटिंग के लिए क्या करते थे, वो पर्चा छापते थे। आज भी आप देखेंगे मस्जिदों के बाहर वो पर्चा कुछ जगहों पे अभी भी बांटा जाता है। ठीक है, तो वो पर्चा छापा करते थे बिजनेस ओनर्स और उसको बंटवाते थे, घर घर जाके डलवाते थे या जहाज़ से उसको ऐसे छींटते हुए चले जाते थे पूरे शहर पे। ठीक है, देखा होगा तुमने वो गेम्स वगैरह में भी अक्सर, या मूवीज़ में, पुरानी मूवीज़ में देखा होगा कि वो इनविटेशन जो है वो जहाज़ से गिरता हुआ जा रहा है, वो इनविटेशन लेटर सब जगह फेंका जा रहा है। ठीक है, या प्रोमोशन चलती है कोई तो वो गाड़ियों में, बसों में वो डाला जा रहा है, या घर में भी डाल के जाते थे पहले पम्फलेट। तो ये था ट्रेडिशनल तरीका जो उस वक्त के बिजनेस। तो उन्होंने बोला यार कि ये जो पम्फलेट है ना, इसका एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी होना चाहिए जो हमें इंटरनेट के ज़रिए नज़र आ जाए। तो ये था वेब 1.0 की बात हो रही है कि उसमें क्या हुआ, आपके पास जो पम्फलेट था बिल्कुल वैसा ही पम्फलेट आपके पास कहाँ पे आ गया, एक वेबसाइट के ऊपर आ गया, इंटरनेट के ऊपर, एक वेबसाइट के ऊपर। अच्छा जब तो ये जब ये आइडिया आया ना कि अच्छा भाई इस पम्फलेट को हमें क्या करना है, अब स्क्रीन पे दिखाना है, वेबसाइट पे दिखाना है, तो उस पम्फलेट को पेपर पे बनाने के लिए तो सॉफ्टवेयर मौजूद था,
जो भी होगा उस वक्त के ज़माने में, मुझे नहीं पता कौन सा था, तो उस वक्त वो सॉफ्टवेयर तो मौजूद था या लोग हाथ से लिख लेते होंगे मे बी। इन्होंने बोला कि यार इसको कंप्यूटर पर शो कराने के लिए ना हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक अदद लैंग्वेज चाहिए होगी, एक अदद ऐसी लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर को हम ये बता सके कि वो पर्चा कैसा दिखना चाहिए। तो इन्होंने बनाई मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। उन्होंने बोला यार जर्नल जैसे तैयार होता है बस वैसा ही होगा ये वेबसाइट भी, तो जर्नल में जो जो काम करते हैं वो सारे मार्कअप्स होते हैं, तो इसका नाम मार्कअप लैंग्वेज रख दिया इन्होंने, ठीक है। तो अब मार्कअप लैंग्वेज जो है वो क्या है, बहुत आसान है मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, मैंने ये आपके सामने जो लिखा है ना इस वक्त, मैंने आपके सामने लिखा है दो अदद मार्कअप, नंबर एक एच वन और नंबर दो पैराग्राफ का मार्कअप लिखा है मैंने, ठीक है। अच्छा, मार्कअप बहुत आसान है, देखो कैसे है। अगर मैं ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैंने ये सराउंड किया हुआ है किससे, ये मार्कअप के अंदर इसको मैंने पैक किया हुआ है, ठीक है। आप मतलब प्रोग्रामेटिकली इसको आप ऐसे समझ लें कि मैंने इस हेलो वर्ल्ड के ऊपर क्या लगाया हुआ है, हेलो वर्ल्ड को बोला हुआ है आप हेडिंग हो, ठीक है। तो ये एच वन अगर मैं हटा दूंगा ना इसके पास से, ये देखो ए एच वन हटा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर हेडिंग नहीं रहेगा, ये नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं इधर, ये देखो वो क्या हो गया, हेडिंग ख़त्म हो गई इसकी अब। अच्छा, फिर अब जब मैं आके इधर लगाऊंगा ना, यार आप क्या हो, आप एक मार्कअप इसको मैं बना देता हूँ, ये एच वन इज़ अ मार्कअप, मैंने बोला भाई आप हेडिंग हो, तो ये दोबारा से हेडिंग हो जाएगा। अच्छा, अब देखो ये नीचे क्या लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं इसको भी बोलता हूँ कि भाई आप भी क्या हो, एच वन हो, सही है, मैंने कहा आप भी क्या हो, एच वन हो। तो अब क्या होगा, क्योंकि मैंने इसको भी एच वन के मार्कअप में पैक कर दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बड़ा होकर नज़र आना शुरू हो जाएगा। मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश करता हूँ, दोनों को हेडिंग किया था, दोनों बड़े हो गए। तो इससे पता कि ये चला हमें कि जो सिंपल सा एक टेक्स्ट है उसके सराउंडिंग में जब हम मार्कअप लगाते हैं तो वो क्या होता है, उस मार्कअप के ज़रिए अपने आप को डिफ़ाइन करता है कि हाँ मैं कौन हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पे जो मैं इसको दोबारा से पैराग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखो पैराग्राफ के बीच में ना, पैराग्राफ के बीच में मैं किसी एक वर्ड को क्या करना चाहता हूँ, बोल्ड करना चाहता हूँ अगर, तो उसके लिए एक मार्कअप और है, दैट इज़ कॉल्ड बी, राइट, बोल्ड का मार्कअप, ठीक है। देखो अब ये क्या है, ये एक पैराग्राफ का मार्कअप बड़ा हो गया, उसके अंदर दरमियान में देखो एक मार्कअप और है, तो ये इतना जो पार्ट है ना, ये इस मार्कअप की वजह से ये बोल्ड होके नज़र आएगा, देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता, ठीक है। देखो एक तो हेडिंग है, ये वाला पैराग्राफ है, लेकिन पैराग्राफ का इतना हिस्सा बोल्ड होके नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे तीन मार्कअप सीखे, नंबर एक एच वन, नंबर दो पैराग्राफ, नंबर तीन बोल्ड। अच्छा, इसके अलावा हम कुछ और भी सीख लेते हैं, एक दो पैराग्राफ, एक काम करते हैं, एक पैराग्राफ ना यहाँ से उठा के लाते हैं हम, मैं यहाँ से एक रैंडमली एक कहीं से ना, ये मैंने रैंडमली एक पैराग्राफ उठा लिया, क्योंकि बड़ा पैराग्राफ होगा ना तो उसके अंदर फिर अच्छा भी लगेगा हमें चेंजेस करने में, सही है। ये मैंने बड़ा सारा एक पैराग्राफ उठा लिया, राइट, पहले वो दो लाइन लिखी हुई थी ना तो वैसा फील नहीं आ रही थी पैराग्राफ वाली, ठीक है। अच्छा, अब इस पैराग्राफ के अंदर मैंने ये जो ब्लॉक्स करके एक वर्ड है, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको मैं करना चाहता हूँ बोल्ड, तो मैंने बी यहाँ पर लगा दिया और बी ऐसे करके लगा दिया, सही है। तो ये इतना जो वर्ड है ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। मैं आता हूँ अपनी वेबसाइट पे, रिफ्रेश करता हूँ, देखो पूरा पैराग्राफ बड़ा सा आ गया लेकिन इतनी जगह क्या हो गई, बोल्ड हो गई, क्योंकि मैंने इस पर मार्कअप लगा दिया कि आप क्या हो जाओ, बोल्ड हो जाओ, ठीक है। उसके अलावा मैंने कहा कि कुछ चीज़ों को मैं क्या करना चाहता हूँ, अंडरलाइन भी करना चाहता हूँ, जैसे स्टूडेंट्स को मैं क्या करना चाहता हूँ, अंडरलाइन करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मार्कअप मेरे पास क्या मौजूद है, यू, U for underline, right? सही है। तो ये स्टूडेंट जो है क्या हो के आ जाएगा, ये अंडरलाइन होके नज़र आ जाएगा मुझे स्क्रीन के ऊपर। रिफ्रेश किया मैंने, देखो स्टूडेंट अंडरलाइन होके नज़र आ गया, ठीक है। अच्छा, इसको मैं किसी एक को इटैलिक करना चाहता हूँ अगर, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको मिसाल के तौर पर इटैलिक करना चाहता हूँ, तो मैंने आई का मार्कअप लगाना है फिर, ठीक है।
देखते जा रहे हो, बहुत आसान है। मार्कअप्स हैं इसके अंदर। अभी तक हमने कितने मार्कअप सीख लिए? 1, 2, 3, 4 और ये 5। पांच मार्कअप अभी तक हमने सीख लिए। अच्छा, इटैलिक हो गया पैराग्राफ, देखो इटैलिक हो गया। अच्छा, अब कौन मुझे बताएगा कि किसी चीज़ को अगर मुझे बोल्ड भी करना है और इटैलिक भी करना है तो मैं क्या करूँगा? मिसाल के तौर पे मुझे क्या करना है, ये वाला जो है ना, बी आई दोनों साथ लिख देंगे मेरे ख्याल। हाँ, बी आई में दोनों साथ, ये बोल्ड का मार्कअप लगाएंगे और वो लिखेंगे। हाँ, बोल्ड का भी लगा दूंगा मैं और आई का भी लगा दूंगा, दोनों लगा दूंगा। सही है, लेकिन जिस सीक्वेंस में लगाया है उसी सीक्वेंस में ही उसको क्लोज भी करूँगा। ठीक है, जैसे मैंने बी को पहले लिखा है तो बी को लास्ट में क्लोज किया है। ठीक है, ये आई है और ये बी है। ठीक, अगर सर पहले कर दिया इसको, मतलब इस तरफ भी बी पहले, उस तरफ भी बी पहले, तो हाँ इस तरफ भी बी पहले, फिर दोनों साइड पे पहले करना होगा। जैसे कट करके इसको पहले करोगे ना तो फिर इस तरफ से भी, ये क्या कर रहा है, इस तरफ से भी इसको फिर कट करके आपको आगे ले जाना होगा। सही है, तो ये फिर बी का पैराग्राफ, बी का मार्कअप हो गया और ये आई का मार्कअप हो गया। ठीक है, देखते हैं बोल्ड इटैलिक दोनों एट द सेम टाइम ये होता है क्या। ये देखो बोल्ड और इटैलिक दोनों हो गया एट द सेम टाइम। ठीक है, अगर मुझे साथ साथ इसको अंडरलाइन भी करवाना है तो मैं अंडरलाइन भी लगा दूंगा। मैं कहूँगा भाई यू, सही है, और यू को मैं लास्ट में जाकर क्लोज कर दूंगा। सही है, साथ साथ मैंने अंडरलाइन भी कर दिया इसको, हो गया अंडरलाइन। अच्छा, इसको सेव करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, इसको सेव करने की जरूरत नहीं होगी। सेव करने की जरूरत है ना, मैं कंट्रोल एस, मेरी आदत है। ये देखो मैंने अभी चेंजेस की, ये गोल सा बना हुआ आ गया ऊपर, अब मैं कंट्रोल एस मैं प्रेस करता रहता हूँ, आदत है मेरी। ठीक है, सेव करने की बिल्कुल जरूरत है इसको। तो हमने क्या लिखा, ये एक अदद यहाँ पे हमने मार्कअप लिखा। सही है, H1 एक मार्कअप लिखा, पैराग्राफ एक मार्कअप लिखा, इटैलिक एक मार्कअप लिखा, बोल्ड एक मार्कअप लिखा। सही है, अंडरलाइन लिखा हमने, ये सारे मार्कअप्स हमने आज सीखना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, ये हमने अपना पहला HTML बना लिया है। सही है, अच्छा अब मैंने क्या करना है, ये जो तमाम का तमाम कोड है मेरा, अच्छा ये तो फाइल, मेरे जो टेक्स्ट फाइल है इसको तो डिलीट कर देता हूँ, इसकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। मेरे पास सिर्फ एक ही फाइल है अब, index.html, राइट, क्योंकि अब तो हम कोडिंग सीख गए, अब तो हमने HTML सीख लिए, तो अब हम कोडिंग किया करेंगे और वो कोडिंग वाली फाइल पुश करेंगे हम। टेक्स्ट फाइल अब हम पुश नहीं करेंगे। सही है, अच्छा इस कोडिंग की फाइल को मैं पुश करने जा रहा हूँ अब, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से गेट एट डॉट, सही है, गेट कमिट और गेट पुश। सही है, ये मैंने पुश कर दिया, जो कुछ भी लिखा था सबको मैंने क्या कर दिया, पुश कर दिया। यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे से वो टेक्स्ट फाइल गायब हो चुकी है अब, और सिर्फ index.html के नाम से एक फ़ाइल मौजूद है। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो जाता है, ऐसे बन के आ जाता है। अच्छा, ये हमने क्या कर लिया, पूरी HTML पढ़ ली हमने आज। कैसे पढ़ ली पूरी HTML, हमें ये पता चल गया कि HTML क्या होता है, मार्कअप्स होते हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ एक चीज़ की कमी रह गई है, कहीं पे हमें एक ऐसी लिस्ट मिलनी चाहिए जिसमें तमाम HTML के मार्कअप्स एक जगह पे लिखे हुए हों। अगर हमें वो लिस्ट मिल गई तो इसका मतलब है पूरा HTML हमें आ गया। तो चलते हैं वो वाली लिस्ट ढूंढते हैं। मैंने कहा कि ऑल HTML मार्कअप्स, एंटर। सही है जी, ऑल HTML मार्कअप्स, ये HTML रेफरेंस के नाम से ना मुझे एक मिल गया। HTML के जितने भी मार्कअप्स हैं वो सब यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा कुछ के ऊपर लिखा हुआ है कि नॉट सपोर्टेड इन HTML5। हम असल में नया वाला HTML पढ़ रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट HTML5। तो जिसके ऊपर लिखा हुआ है ना नॉट सपोर्टेड, ये आपने यूज़ नहीं करना ना। इसमें बताया हुआ भी है कि पहले DIR होता था, अब उसकी जगह क्या हो गया, UL। ठीक है, अच्छा तो UL देखते हैं कहाँ पर है UL इसमें। UL UL stands for unordered list, right? यार इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना एरो करके। हाँ देखो UL आ गया। UL stands for, देखो यहाँ पे mention भी किया हुआ इसने, defines an unordered list। ये क्या बनाता है, unordered list बनाता है। unordered list कैसी होती है देखने में, इसको UL को इस्तेमाल
कैसे किया जाएगा मार्कअप के तौर पे, वो इसके ऊपर यहाँ पे आके देखो, मैंने ये क्लिक कर दिया। मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मुझे ये कहाँ लेकर चला जाएगा, इसके अंदर लेकर चला जाएगा, जहाँ पे मुझे ना सिर्फ इस UL को लगाना बताया इसने कोडिंग में कि ये कोडिंग में इस्तेमाल कैसे होगा, बल्कि इसकी डेफिनेशन भी बताई है, इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया है। ठीक है, इसने बोला कि द UL टैग डिफाइंस एन अनऑर्डर लिस्ट या बुलेट लिस्ट, यूज़ द UL टैग टुगेदर विद LI। कह रहा है कि UL जो है अनऑर्डर लिस्ट हमेशा LI के साथ इस्तेमाल होता है, दैट इज़ कॉल्ड लिस्ट आइटम। ठीक है, इसके साथ हमेशा इस्तेमाल होता है ये। और यहाँ पे इन्होंने कुछ मज़ीद एग्जांपल्स भी इसकी दी हैं कि भाई ऐसे करके बना लो आप या ऐसे करके बना लो। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक उठा लेता हूँ। मैंने कहा चलो भाई ये मुझे चाहिए अपने पास। ठीक है, ये क्या बना के देता है आपको, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट ज़रा देख लेते हैं कि कैसी होती है। यहाँ पे अभी मैं पेस्ट करूँगा तो वो डिस्प्ले होके बन के आ जाएगी अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ये स्टाइल इसमें से मैं फ़िलहाल हटा रहा हूँ, चलो बल्कि रहने देते हैं। ये रिफ्रेश किया मैंने तो आप देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट कुछ इस तरह की होती है, यानी कि बुलेट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। अच्छा, मैं बैक करता हूँ वापस। ये वो तमाम मार्कअप की जो लिस्ट है ना, इसका मैं URL आपको कहाँ पे भेज रहा हूँ, मैं आपको इसी कोडिंग में यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि ऑल HTML मार्कअप्स, राइट, ऑल HTML मार्कअप करके ये लिंक मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये कोड जब मैं पुश करूँगा तो ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा, ये लिंक भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब आप सब लोगों का एक असाइनमेंट है, छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा। आप सब लोगों ने CV बनाई होगी अपनी ज़िंदगी में, कभी ना कभी ज़रूर बनाई होगी, या अगर नहीं बनाई है तो बनाएंगे आगे। तो आपने क्या करना है कि इसी तरह HTML के ज़रिए आपने एक अदद CV बनानी है। ठीक है, जितना आपसे हो सके, जैसे बुलेट पॉइंट मैंने आपको सिखा दिया, पैराग्राफ मैंने आपको सिखा दिया, बोल्ड इटैलिक वगैरह करना सिखा दिया, हेडिंग्स आपको मैंने सिखा दी। अच्छा, हेडिंग होती है 1 से लेकर 6 तक होती है ना हेडिंग, जैसे एक तो ये H1 है, फिर H2 जो है हमारा वो इससे थोड़ी सी छोटी होती है हेडिंग, फिर उसके बाद होती है H3 की हेडिंग होती है, उसके बाद H4 होती है, उसके बाद H5 और फिर उसके बाद H6। ठीक है, तो ये 6 साइज़ होते हैं अलग अलग हेडिंग के, आपको जो सा भी साइज़ चाहिए वो, ये देखो 6 अलग अलग साइज़ आ गए। ठीक है, तो ये 6 मार्कअप तो ये भी आप सीख गए। उसके अलावा ये जितने भी मार्कअप्स हैं ना, वो सब की यहाँ पे आपके पास एक्सप्लेनेशन और सारी लिस्ट मौजूद है, इसको देखते जाना है आपने। जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़े आपको, CV आपने जो बनी हुई CV है वो आपने खोल लेनी है, या वैसे ही आप गूगल पे जाके लिख लेंगे ना CV और एंटर करेंगे तो बहुत सारे लोगों की CV बनी हुई आ जाएगी सामने। ठीक है, आपने कहा कि यार चलो भाई ये है मेरी CV, तो इसमें इसने जो जो बात भी लिखी हुई है ना, आपने वो कहाँ पर लिखना है, मार्कअप में लिखना है। जैसे इसने कुछ समरी लिखी हुई है, स्किल हाईलाइट में देखो क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके बाद एक्सपीरियंस में जो है वो बोल्ड हुआ है थोड़ा सा, और उसके बाद जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट ही आ गया, फिर हेडिंग लगी हुई है। अच्छा, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये किससे आती है, इसका भी मार्कअप बता देता हूँ। इसका मार्कअप होता है HR। ठीक है, HR दैट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, HR। ठीक है, अब देखो HR पे मैंने क्लिक किया ना, HR पे क्लिक किया तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, ये मुझे कोडिंग एग्जाम्पल इसकी दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा ट्राई इट योर सेल्फ पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे चला के भी दिखा देगा कि ये चलने के बाद कैसा दिखता है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें ट्राई इट योर सेल्फ पे क्लिक भी कर देता हूँ ताकि मुझे एग्जैक्टली वो चला के बता दे कि कैसा है। देखो HR जब मैं लिखता हूँ ना तो ऐसे एक लाइन बनी हुई आ जाती है पूरी। ठीक है, तो यहाँ देखो CV में लाइन बनी हुई है ना, ये हो क्या रहा है, अचानक मेरा प्रोसेसर पूरा ऊपर जा रहा है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि ये जो लाइन लगी हुई है ना, ये वाली, ये भी मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे लगेगी। ठीक है, बोल्ड करना सिखा दिया, इटैलिक सिखा दिया, हेडिंग सिखा दी, लाइन सिखा दिया, अनऑर्डर्ड लिस्ट सिखा दी, सब कुछ सिखा दिया आपको मैंने। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने एक अदद CV अपनी तैयार करनी है। ठीक है, अच्छा तो और CV तैयार करने के बाद आपने करना क्या है, CV तैयार करने के बाद ये आपका जो डॉक्यूमेंट है जो आपने GitHub में पुश किया हुआ है, यहाँ पे आपने आके
जो फाइल का आपके नाम है वो एग्जैक्टली इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही होना चाहिए, ठीक है, और स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ये कैपिटल वैपिटल भी नहीं, एग्जैक्टली यही नाम होना चाहिए फाइल का, अदरवाइज़ जो आगे का स्टेप मैं बताने लगा हूँ वो आपके पास काम नहीं करेगा अगर आपने फाइल का नाम कुछ भी चेंज किया वो। अच्छा, तो अभी मेरी फ़ाइल में क्या मौजूद है, अभी मेरी फ़ाइल में जो कुछ भी मौजूद है ज़रा उसको मैं दोबारा से क्या कर देता हूँ, पुश कर देता हूँ गिटहब डॉट कॉम पर। मैंने कहा भाई सम मोर चेंजेस, ठीक है, टर्मिनल के अलावा यहाँ से भी पुश कर सकते हैं लेकिन फिलहाल आप लोग टर्मिनल ही यूज़ कीजिएगा, ठीक है। मैंने तमाम चेंजेस को पुश कर दिया, मैं यहाँ पर आके इसको खोल के देखता हूँ कि इसके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है भाई, सारी हेडिंग्स आ गई हैं यहाँ पे, जो सारा कोड था वो जो मैंने लिखा था वो सब यहाँ पे आ चुका है, राइट। मैंने बैक किया इसको, अब मैं क्या करूँगा, ये रिपोजिटरी के मेन पे आके ना, मैं मेन जो पेज है रिपोजिटरी का मेरे यहाँ पे आके, ये देखो सेटिंग छोटी सी बनी हुई है। अच्छा, एक सेटिंग यहाँ पर भी है, इसकी बात, ये इस वाले सेटिंग की बात हो रही है, ये रिपोजिटरी की सेटिंग है। मैंने रिपोजिटरी की सेटिंग पे क्लिक किया, उसके बाद मैं यहाँ पे देखो मेन्यू आ रहा है पूरा, इसमें पेजेस के नाम से एक चीज़ आ रही है, यहाँ पे मैं गया पेजेस के नाम से और यहाँ पे एक ब्रांच लिखा हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और शुरू में ये नन हुआ हुआ है बाई डिफ़ॉल्ट, इसको मैंने मेन कर दिया और सेव का बटन दबा दिया, ठीक है। जैसे ही मैं ये काम करूँगा, आपकी जो ये वेबसाइट है ये इसको ये क्लाउड पे होस्ट हो जाएगी और आपको एक अदद यूआरएल मिल जाएगा, ठीक है, वो थोड़ी देर में मिलता है, असल में रिफ़्रेश करते हैं इस पेज को, अच्छा टाइम लगा रहा है ये। अच्छा, इस प्रोसेस को मैं देखना चाहूँगा अगर, तो मैं देख भी सकता हूँ एक्शंस पे क्लिक करके ना, इस प्रोसेस को मैं देख भी सकता हूँ, ये देखो चल रहा है प्रोसेस, आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पर लाइव किया जा रहा है, ठीक है। तो आज के दिन हमने क्या किया, एक वेबसाइट बनाकर उसको हमने इंटरनेट पे लाइव कर दिया, और अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो आपकी वेबसाइट बनी हुई होगी और वो वेबसाइट आपकी होगी सीवी, आपका जो भी सब लोगों की सीवी है वो आपने उसमें बनाना है। सर जी, दोस्त सर एक बार वीएस कोड पे वापस जा सकते हैं? सर ये जो नीचे आपने ऑल, ये जो है ना ग्रीन वाले, हाँ। ये आपने इसमें से कुछ लिखा था, इसके साइड में आपने एक्सक्लेमेशन मार्क और ये एरोस वगैरह हुए थे, ये ऑटोमेटिक बन जाएंगे? हाँ, ये मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ है, ये असल में कमेंट्स हैं, ये जब भी आप कोई कोडिंग करते हैं ना तो आप कमेंट्स करने का आपके पास ऑप्शन होता है, कमेंट्स का मतलब जैसे कि मैंने लिखा ना, तो ये देखो ये असल में एरर है, इसके नीचे ये एरर आ रहा है कि भाई दिस इज़ नॉट अ वैलिड HTML, ठीक है, ये इनवैलिड है HTML में, लेकिन अगर मैं कंट्रोल और साथ में स्लैश दबाऊंगा तो इसको क्या कर देता है, कमेंट कर देता है, यानी जब कोड रन होगा तो इसको एज अ कोडिंग नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि इसको एज अ कमेंट पढ़ा जाएगा कि भाई ये, अच्छा कमेंट लगाने का रीज़न ये होता है, एक तो ये कि भाई मैं कुछ कोड है मेरा, जैसे भाई ये वाला कोड है मेरा, मैं एक लाइन को वक्ती तौर पर रोकना चाहता हूँ तो मैं इसको कमेंट कर दूंगा, ठीक है। दूसरा रीज़न ये होता है कि लिटरल कमेंट्स, जैसे अब ये मैंने ये वाली चीज़ क्यों लिखी है, मैं इसमें कमेंट्स लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, किसके लिए लगाना चाह रहा हूँ, किसी दूसरे डेवलपर के लिए, जाहिर है एक टीम में अकेला बंदा तो नहीं होता जो काम कर रहा हो, 10-12 लोगों की समटाइम टीम्स होती हैं, तो वो जब मैं कोडिंग करूँगा तो मैं कुछ कमेंट्स लगा सकता हूँ जो दूसरे डेवलपर के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो भी इसी कोड के ऊपर वर्किंग कर रहा है, तो उसको शायद अगर मे बी उसको समझ ही ना आएगा यार ये इसने क्यों लगा दिया है, ठीक है, समटाइम आप सोचते हैं ना यार इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी ये क्यों लगा दिया, तो इस तरह होता है, तो वो कमेंट पढ़ के समझ जाए कि अच्छा इसलिए लगाया है, ठीक है। तो दो रीज़न हमने देखे कमेंट्स के, दो रीज़न देखे, नंबर एक वक्ती तौर पे अगर किसी कोड को हमें रोकना है तो उसके लिए कमेंट इस्तेमाल होते हैं, उसके अलावा हमें अगर किसी कोड को, किसी कोड के बारे में कुछ, जैसे कि ये दिस इज़ अ लिटरल कमेंट, मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऑल HTML मार्कअप्स और ये नीचे लिंक लगा दिया, तो ये वैलिड HTML तो नहीं है लेकिन मुझे इसको यहाँ रखना है, किसके लिए रखना है, आपकी सहूलत के लिए, ताकि आप इसको पढ़ लें जब भी आप इस कोड में आएँ, आपको ये आप इसको पढ़ लें, तो ये कमेंट्स मैंने आपको बता दिए। अच्छा, तो वापस जाता हूँ मैं, देखो अब इस पर ना ये चेक लग चुका है, मैं वापस अपनी मेन रिपोजिटरी में आ जाता हूँ, मैं वापस अपनी मेन रिपोजिटरी पर आके कहाँ गया, सेटिंग्स में गया, ठीक है, पेजेस में गया, और पेजेस में आके मैंने क्या किया था, इसको चेंज करके, ये नन हुआ हुआ था ना, इसको चेंज करके मैंने मेन किया था, तो ये देखो मेन करने की वजह से ना ये यहाँ पे यूआरएल मेरा अपीयर हो गया है, मैं विजिट साइट का बटन दबाऊंगा तो क्या होगा, ये साइट मेरे सामने खुल के ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है, इस साइट का जो यूआरएल है इसको कॉपी करना है, लाइव तो ये हो गई है बाई द वे, ठीक है, लेकिन कॉपी करके आपने क्या करना है, मेन रिपोजिटरी में आना है, मेन रिपोजिटरी में आने के बाद यहाँ अबाउट के साथ जो सेटिंग है ना ये वाली, यहाँ पे वेबसाइट जहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर लाके इसको पेस्ट कर देना है और सेव का बटन दबा देना है, उससे क्या होगा कि ये यूआरएल आपकी वेबसाइट में इस कोने पे
नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको अपनी रिपोजिटरी का लिंक भेज रहा हूँ, जैसे मैं अभी आपको ये लिंक भेज रहा हूँ ना, इसी तरह आपने नेक्स्ट क्लास में मुझे लिंक भेजना है ये वाला, ठीक है। मैं चैट में आपको ये लिंक भेज रहा हूँ। अच्छा, इस लिंक को ज़रा सब लोग ओपन करें और ओपन करके मेरा कोड भी रिव्यू करें, और मैंने जो URL साइट में पेस्ट किया है उस पर क्लिक करके देखें कि क्या आप इस वेबसाइट को विजिट कर पा रहे हैं। अगर तो ये वेबसाइट लाइव हो चुकी है तो इसका मतलब है आपको भी ये विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से इसको ओपन करके देखें। मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये ओपन हो गया, ठीक है। ये इसका URL है। अच्छा, ये पब्लिक URL है, पूरी दुनिया में कोई भी इंटरनेट से कनेक्टेड अगर है तो वो ये URL ओपन करके चला के इसको देख सकता है, ठीक है। उसके पास ये वेबसाइट खुल जानी चाहिए, ठीक है। तो सब लोगों ने खोल के देखा वेबसाइट को, खुल गई है, आप सही है, यस। तो आज हमने क्या किया, एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड बना के हमने क्या किया, उसको इंटरनेट के ऊपर लाइव कर दिया। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने ऐसा ही एक HTML बना के और अपनी CV जितना हो सके, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत बड़ी अच्छी सी CV बना के लाओ, जितना आपसे हो सके हेलो वर्ल्ड की हद तक नाम लिखो अपना, CNIC, फादर नेम, एड्रेस वेड्रेस जो जो लिखते हैं ना CV में, वो सारा लिख के GitHub में पुश करो और उसको पेजेस में जाके वो लाइव कर दो, ठीक हो गया। चलो, किसी का कोई सवाल है अभी जो मैंने अभी जो लेक्चर दिया इससे मुतालिक, तो अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज़ फिर हम एंड करते हैं लेक्चर आज को। सर, आप पोस्ट करेंगे ना YouTube पे? सर, ये जो अभी आपने वेबसाइट बनाई है, ये हम कैसे देखेंगे, ये इस पे कैसे आएंगे हम? ये मैंने आपको भेजा ना URL, ये मैंने आपको github.com का URL भेज दिया। इसको आप जब ओपन करेंगे ना, URL को, तो URL को जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन खुल जाएगी। कोडिंग देखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे इसके ऊपर, और अगर वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो इस URL के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, ठीक है। और इसी तरह की वेबसाइट, इसी तरह का लिंक मुझे बना के देना है आपने, मतलब ये नहीं कि मुझे कोई सिर्फ URL दे रहा हो, मुझे github.com की जो रिपोजिटरी का URL है ना, वो मुझे चाहिए। और रिपोजिटरी जब मैं खोलूँ तो यहाँ साइड में आपका वो होस्टिंग का लिंक आ रहा होना चाहिए, ठीक है, जिस पर क्लिक करके वेबसाइट ओपन हो जाए। तो इसी तरह का एग्जैक्टली मुझे चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो आज की क्लास है इसकी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, ये मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम एंड करते हैं यहाँ पे। चलें जी, फिर मुलाकात रहेगी एक नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।